गुड इवनिंग टू एवरी स्टूडेंट। जैसा कि अभी क्लास 10th के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और अब ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है जब हमें अपना करियर को लेकर एक डिसीजन लेना होगा टू ऑप्ट आउट आइदर साइंस और कॉमर्स। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने साइंस स्ट्रीम लिया तो हमारे पास कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शन ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या हम इंजीनियरिंग कर पाएंगे और या फिर मेडिकल फील्ड में जा पाएंगे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हाईलाइट ऑल द कोर्सेज विच आर अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और टू क्लियर आउट द कोर्सेज, आई वॉन्ट टू हाईलाइट फ्यू गाइडलाइंस विच आर रिटन बाई मी। सो लेट अस गो फॉर इट। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट। तो देखिए, जो भी आपने अभी डिसीजन मेकिंग करना है कि आप साइंस स्ट्रीम लेंगे या कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, उसमें ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आपने पास्ट में कौन सी मिस्टेक्स की हुई है या आपकी वीकनेस क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वीक इन एनी सब्जेक्ट और उसकी वजह से अगर आप उससे दूर भाग रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यू कैन इम्प्रूव योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि विराट कोहली, अगर हम क्रिकेटर की बात करें तो ऐसा नहीं कि उसने अपने पहले मैच में सेंचुरी मारी होगी, तो उसने भी क्या किया, अपनी मिस्टेक्स जो भी किया उनसे लर्न किया और आगे बढ़ा। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप उस पर काम कर सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड एज फार एज योर मिस्टेक्स आर कंसर्न। नाउ ट्रस्ट योर सेल्फ। यस, सेकेंड पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हू प्लान समथिंग और दोज हू हैव टेकन द डिसीजन, ओके, बट दे डोंट हैव द पावर टू टेक द इनिशिएटिव टुवर्ड्स इट। और ऐसा इसलिए होता है कि हमने जो डिसीजन लिया, हम उसमें इनिशिएटिव इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें बहुत सारे फीड्स मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं या फिर और हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे या आप इनकैपेबल हो। तो इन जो जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, इन्हें हमें सुनना जरूर चाहिए लेकिन ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या स्ट्रेंथ है ये सबसे बेहतर हम ही जानते हैं, हम जज कर सकते हैं। सो डोंट बी जजमेंटल अबाउट यूर सेल्फ ऑन बिकॉज ऑफ द नियर बाय सराउंडिंग, ओके। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, ये बहुत जरूरी होता है। नाउ टेक डिसीजंस टू कंप्लीट योर गोल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया हो तो उसके लिए आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा टूवर्ड्स दैट, जो आपको आपके गोल के पास लेकर जा सके। और ये तभी होगा जब आप क्या करेंगे, खुद पर ट्रस्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टेक डिसीजंस टूवर्ड्स इट, ओके, जो आपको आपके गोल के पास लेकर जाए। एंड सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं इस स्ट्रीम में अच्छा कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ओके। तो अपने आप को और किसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जज ना करें कि इनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है तो आपका भी एक्सपीरियंस खराब रहे। सो ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 12th साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, या आप डॉक्टर बन सकते हैं या फिर आप इंजीनियर बन सकते हैं, ओके। तो लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, तो मैं सभी करियर ऑप्शंस को हाईलाइट करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉन मेडिकल फील्ड। देखिए, नॉन मेडिकल फील्ड में जो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, 4-year कोर्स, दैट इज इंजीनियरिंग। तो अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। बीटेक कोर्स है, ओके, एंड देयर आर वेरियस ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस। तो आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। एज फार एज स्कोप इज कंसर्न, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपको सोसाइटी से ऐसा फीड मिलता है कि जो इंजीनियरिंग है उसका स्कोप इतना नहीं है। तो देखिए, अगर आपका खुद का डिसीजन है, आप इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकते हैं, तो कभी भी इतना डाउनफॉल नहीं होगा। आप ट्रस्ट मी, यू कैन डू बेटर, और इंजीनियरिंग में भी करियर बना के आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब डिसीजन हमारे खुद के हो। अगर हमने कोई भी करियर ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि वो एक्सटर्नली आ रहा है, तो हम उस काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और जब हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो स्कोप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपने
चूज किए हुए प्रोफेशन को, तो हम कभी भी घड़ी की ओर नहीं देखेंगे, वॉच की ओर नहीं देखेंगे, अपने प्रोफेशन के साथ फुल जस्टिस करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब डिसीजन जो है वो हमने खुद लिया हो। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपना डिसीजन खुद तय करें, अपना करियर जो है वो खुद डिसाइड करें। सो इंजीनियरिंग इज वन ऑप्शन, अनदर ऑप्शन इज बी आर, ओके, आर्किटेक्चर अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर बिल्डिंग डिजाइनिंग का अगर आपको शौक है तो आप बी आर कर सकते हैं, दैट इज अ 5-year प्रोग्राम, ओके, और उसके बाद आप आर्किटेक्चर इंजीनियर बन जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद शायद आपको इतना अच्छा जॉब ना मिले, उसके बाद आपको एमबीए जरूर कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप एमबीए कंप्लीट कर लेंगे 2-year प्रोग्राम, देन यू कैन मेक आउट योर करियर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे ये ऑप्शन तो हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम के बाद भी अवेलेबल रहेगा। यस ऑफ कोर्स दिस विल बी अवेलेबल आफ्टर 12 कॉमर्स, लेकिन जितने भी बाकी फील्ड्स में डिस्कस करने वाला हूँ शायद वो अवेलेबल ना हो कॉमर्स करने के बाद। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग 12 साइंस कि आपको कभी भी देरी नहीं होगी, देयर इज नेवर अ लेट, सो यू कैन गो अहेड विद दिस करियर। नाउ 4-year प्रोग्राम जो आपके पास रहेगा BHM, दैट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ओके, और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इन फील्ड्स में करियर बना सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट ही हो गया फर्स्ट वन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिनको कईयों को बहुत शौक होता है टूरिज्म का, तो इसमें करियर बना सकते हैं, हाउसकीपिंग एंड जनरल मैनेजर। अब देखिए जो BHM के जो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट रहता है, इसका जो बेनिफिट है या लॉस है वो ये जुड़े हुए साथ में कि ये कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत डिपेंड करता है, तो अगर जहाँ डाउनफॉल रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन इतना डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, आपको मजा आता है, तो प्लीज गो फॉर इट। नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन क्लैट, 5-year का आपके पास ऑप्शन रहेगा क्लैट के एग्जाम का, दैट इज अ इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, इसके बाद आप लॉयर बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो लॉ करना चाहते हो, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्वालिफाइंग क्लैट एग्जाम। तो क्लैट का ये बेनिफिट रहेगा कि आप डायरेक्टली 12 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। कंपेरेटिवली अगर आप एलएलबी करते हैं तो दिस इज रिक्वायरिंग ग्रेजुएशन, तो क्लैट के एग्जाम आप दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, बीएससी प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी, दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इट। नाउ वन मोर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, दैट इज 3-year प्रोग्राम एमडीए। तो जैसे ही आप एनडीए का देखिए बहुत क्रेज रहता है स्टूडेंट्स में, स्पेशली बॉयज में, तो इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे एनडीए के बाद, वन इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनमें करियर बनाने के लिए बहुत करेज चाहिए हमको, लेकिन ऑब्वियसली हम हमेशा इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो देखिए इंडियन आर्मी में तो कोई भी जा सकता है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो, या फिर साइंस स्ट्रीम का हो। लेकिन अगर आपको करियर बनाना है नेवी या फिर एयरफोर्स में, तो देखिए आपको 12th लेवल तक फिजिक्स प्लस मैथ्स ये सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है। सो इफ यू वॉन्ट टू मेक योर करियर फॉर नेवी और एयरफोर्स, तो प्लीज पिकअप PCM ग्रुप, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज टू, नेवी एंड एयरफोर्स। नाउ स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल में बहुत सारे सेक्टर्स और रहते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर ऑन द बॉटम ऑफ द बोर्ड कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। तो देखिए कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी एक प्रोग्राम होता है, लेकिन दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ओके, मनी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अब हम डिस्कस करेंगे मास कम्युनिकेशन को। देखिए मास कम्युनिकेशन में आप मीडिया, जर्नलिज्म, एडिटर, रेडियो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, तो बिल्कुल आप करियर बना सकते हैं मीडिया में, जर्नलिज्म में, एडिटर में, ओके, सो और रेडियो में। नाउ अनदर ऑप्शन इज नर्सिंग। अब देखिए जैसे मैं नर्सिंग की बात करता हूँ, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नर्सिंग में करियर बनाएंगे हम। सो लेट मी टेल यू, कोई भी जो जॉब होता है, कोई भी जो पोस्ट होता है, उससे मान सम्मान जुड़ा हुआ नहीं होता। हमारा मान सम्मान जो जुड़ा हुआ होता है, रिस्पेक्ट जो जुड़ा हुआ होता है, उस जॉब के साथ किए गए जस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है स्टूडेंट्स, बस वन थिंग इज, अगर आप देखिए आपको आपके पोस्ट से केवल अटेंशन मिल सकता है, मान सम्मान रिस्पेक्ट आपको तभी मिलता है जब आप अपनी पोस्ट से जस्टिस करते हैं, और वो तभी होता है जब आप खुद डिसीजन लेते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, ओके, एंड टेक डिसीजन बाई योर नो।
तो अब बात करते हैं नर्सिंग को लेकर। देखिए बीएससी कर सकते हैं आप नर्सिंग में, 4 ईयर प्रोग्राम, जीएनएम डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ओके एएनएम डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग। जो जीएनएम है ये 3 ईयर कोर्स है एंड एएनएम इज अ 2 ईयर प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर भी आप करियर बना सकते हैं। नर्सिंग का जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि इसमें जो कॉम्पिटिशन है कंपेरेटिवली कम है, गवर्नमेंट जॉब्स के लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ। नाउ फैशन डिजाइनिंग, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगते हैं कि वो फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सो ऑफकोर्स यू कैन गो अहेड फॉर दैट। नाउ आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड रिलेटेड टू नॉन मेडिकल। एक और फील्ड है जिसपे हम बात कर सकते हैं, दैट इज टीचिंग प्रोफेशन। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन बिकम अ गुड टीचर, ओके, और एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नोबल प्रोफेशन, टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ नोबल प्रोफेशन। आप बीएससी कर सकते हैं, एमएससी स्पेशलाइजेशन करने के बाद, आप बीएड करने के बाद यू कैन बिकम अ पीजीटी, और आफ्टर ग्रेजुएशन एंड बीएड यू कैन बिकम अ टीजीटी टीचर। सो दीज आर द करियर ऑप्शन अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मेडिकल। नाउ देखिए मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल फील्ड की, ये बहुत जरूरी सेशन रहने वाला है क्योंकि जब हम मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, बीसी बी लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि या तो हम मेडिकल फील्ड में करियर बना लेंगे, ओके, और या फिर हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, या हमें लगता है कि बीसी बी के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास मेडिकल फील्ड में करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, दैट इज एमबीबीएस, ओके, उसके बाद हम एमएस एमडी या डिप्लोमा या एमएस, दैट इज कंबाइंड मेडिकल सर्विस, सीएमएस कर सकते हैं। और सीएमएस क्वालिफाई करने के बाद जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, वैसे ये भी एक एग्जाम है, इसको क्लियर करने के बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस एंड सीएमएस को क्वालिफाई करने के बाद हम रेलवे में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए MBBS के लिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा, और मान लीजिए ऐसा हमसे नहीं हो पाता है 1 या 2 साल देने के बाद भी, सपोज वी आर नॉट एबल टू क्लियर आउट द एग्जाम, तो हमारे पास और कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। वन ऑप्शन इज BDS, ओके MDS आप कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अगर आप डेंटल सर्जन बन जाते हैं तो इंडिया में बहुत अच्छा अर्न करते हैं, एंड कंपेरेटिवली लेस मनी इज रिक्वायर्ड फॉर BDS। BDS के लिए आपके पास इफ यू हैव 15-16 लाख रुपीज, सो दैट इज इनफ फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत ज़्यादा है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वन मोर एडवांटेज ऑफ टेकिंग आउट मेडिकल फील्ड फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, दैट देखिए प्राइवेट कॉलेजेस से भी अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाते हैं तो इतना ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा हार्म नहीं करता है वो, क्योंकि आप भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये नहीं पता करते कि उसने कौन से कॉलेज से पास आउट किया अपना ग्रेजुएशन MBBS या फिर BDS। तो आप यहाँ पर करियर बना सकते हैं। नाउ मेडिकल में और कौन कौन सी फील्ड है, देखिए आप मेडिकल में जाना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आप MBBS या BDS में जाएं। यू कैन गो फॉर होम्योपैथी कोर्सेज, ओके 5.5 ईयर का कोर्स रहता प्रोग्राम रहता है, दैट इज BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पर आप करियर बना सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं और नेशन को सर्व कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा वो है आयुर्वेदिक। देखिए आयुर्वेदिक इंडिया से ज़्यादा अदर कंट्रीज में डोमिनेट करने लगा है इन करंट सिनेरियो। तो यहाँ पर आप करियर बना सकते हैं, BAMS कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का, नेशन को सर्व करने का। और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिससे आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, दैट इज वन इज BPT, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देखिए फिजियोथेरेपी का भी स्कोप अच्छा रहता है इंडिया में, बहुत सारे आप देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास हम जाते हैं और वो अच्छा चार्ज करते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो यू कैन मेक अप योर करियर इन दिस। एक और ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल रहेगा वो है वेटनरी का, एंड दैट इज अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। आप एनिमल्स या प्लांट से रिलेटेड स्टडीज कर सकते हैं और उनके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे पास एक एडवांटेज ये है बिकॉज वी आर लिविंग इन उत्तराखंड, तो पन्नगर यूनिवर्सिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज इंडियाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, और वहाँ एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्स आपको देने होंगे, तो आप वहाँ पर BSc, AG, फिशरी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ECB से क्लियर करने के बाद भी आप टीचिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, पैथोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, सो देर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल, ओके, सो यू हैव अ
a lot of alternatives or a lot of options even if you don't qualify MBBS. I hope you understood this video and I hope you have understood well about Wealth Science, jo aapke paas career options available in India. Thank you. God bless you.